हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी रीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाईजूस बंगाल वुमेन्स T20 की ब्लास्ट की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर राजस्थान क्लब वर्सेस मोहन बगान एसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एमिरेट्स D20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर मिलेंगे आपको BBL यानी कि बिग बैश लीग के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं, तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना रहेगा फैंटासी रीजन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो यह मैच दोपहर में 12:45 पर एक बार फिर से यहाँ से एम हो गया, दोपहर में 12:45 पर यहाँ पर MTR स्पोर्ट्स अकेडमी बारागुंसीमा वेस्ट बंगाल में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी। देखो बात करूँ यहाँ पर तो कभी कभी अच्छे रन्स भी बनते हैं, इवन कभी कभी टीम बहुत ही बुरी तरह से ऐसे कॉलेप्स वगैरह भी करवा जाती है, फिर भी एवरेज ऐसे 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग की बात करूँ तो ऐसे 22 में से 12 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है ऐसे, कभी कभी यहाँ पर दोनों ही मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत लेती है, तो कोई भी कभी कभी यहाँ से ये आंकड़े उलट पुलट भी हो सकते हैं। वैसे अभी तक का दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है, दोनों का ही मैच के, हालांकि यहाँ से MBC ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, यहाँ से RAC का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है। पूरी टूर्नामेंट के अंदर अभी तक 7 में से सिर्फ एक ही मैच जीती है, 6 मैच वो हारी है। बाकी MBC तो वन ऑफ द बेस्ट टीम इस टीम की, MBC तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की। बाकी RAC की बात करें तो एक ही मैच जीती है अभी तक ओपनिंग में, यहाँ से प्रियंका कुर्मी और कशिश विनोद अग्रवाल दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो प्रियंका कुर्मी यहाँ से ओपनिंग भी करवा रही है, ओवर्स वगैरह भी करवा रही है, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ से ऑलराउंड सेक्शन से इनको हमें लेके जाना पड़ सकता है। तो अभी के लिए तो हम लोग यहाँ शायद इनको लेके जाएंगे, क्योंकि ये ओवर्स भी करवा रही, ओपनिंग भी करवा रही, यहाँ पर कभी इस लेवल का परफॉर्मेंस दे देती है, ऐसे 54 रन किए थे एक बार यहाँ पर, एक विकेट निकाला था, तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी कशिश विनोद अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भाई इस टूर्नामेंट की, सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन की बात करूँ तो अगर यहाँ पर कशिश विनोद अग्रवाल हैं, पूरी टूर्नामेंट में इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई हुई, तो एज अ प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक बनेगी। इवन यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक कैप्टन और वाइस कैप्टन भी करेगी, और वैसे भी अच्छी चॉइस है, ऐसे हम लोग यहाँ से इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। प्रीति कोयल की बात करें तो पिछली दोनों मैच के अंदर दोनों मैच के अंदर उन्होंने अंडे दिए, लेकिन इसके पहले 30 रन की एक पारी खेली थी जरूर, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी प्रियंका मधव सरकार वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन इस टीम्स की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए ये भी एक अच्छी चॉइस है। तो इस टीम से आपके पास दो चॉइस है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए, यहाँ पर प्रियंका मधव सरकार और ऐसे कशिश विनोद अग्रवाल, इन दोनों को आप लोग एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। सागरिका सेनगुप्ते अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिलती तो ट्राई करेगा, वैसे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं, लेकिन बैटिंग सेक्शन से आई थिंक इनका नाम दिखेगा, देख लेते हैं। अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिलती तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। बाकी रिया गोस्वामी बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको भी लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि बैटिंग से इतना कि इनका भी कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं अभी तक। बाकी रोशनी खातून की बात करो तो कुछ दो मैच के अंदर यहाँ पर विकेट इन्होंने निकाली हुई, बाकी सारी मैच के अंदर विकेट लेस जा रही है, तो ये भी रिस्की तो रहेगी भाई। ये सारी प्लेयर्स को ना अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिली तो ट्राई करेगा, क्योंकि कम से कम यहाँ से 4 प्लेयर तो लेने पड़ेंगे, वहाँ से 2 प्लेयर तो हमारे फिक्स हैं यहाँ पर, कशिश विनोद अग्रवाल और ऐसे प्रियंका मधव सरकार, ये दोनों फिक्स है। बाकी दो में आप लोग ऐसे रोशनी खातून को शामिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पर रुक्मिनी रॉय को सजेस्ट करूँगा, ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर चाहिए। यहाँ पर गोशाल को लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगी, जहाँ पर बैटिंग इनका काफ़ी नीचे रहता है। हालाँकि बात करूँ तो पिछली 4 मैच के अंदर तो बैटिंग भी नहीं आई, तो इनको लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं है। श्वेता सिंह ने सेकंड लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, बाकी ओवरऑल बॉलिंग से कुछ खास आंकड़े हैं नहीं इनको, तो अभी के लिए रिस्की रहेंगी।
ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, जैनब गाजी को ट्राई कर सकते हो। आप लोग यहाँ से विकेट वगैरह चटका रही है, पहले दो दो ओवर्स ही करवा रही है लेकिन विकेट मिल रही है उनको, तो आप लोग यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे प्रियंका मधव सरकार के साथ ऐसे श्वेता सिंह, और डेथ ओवर्स में ऐसे रुक्मिनी रॉय के साथ ऐसे प्रियंका मधव सरकार डेथ में आएंगे। बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी प्लेयर खेलती है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बाकी बात करें हम लोग ऐसे टीम MBC की, जो कि 7 मैच खेली है जहाँ से 6 मैच वो जीती है, सिर्फ एक मैच हारी है, दोनों का परफॉर्मेंस जो है उल्टा है यहाँ पर। ओपनिंग में ऐसे दरा गुज्जर और सामयिता अधिकारी दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। दरा गुज्जर एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगी, लेकिन इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे सामयिता अधिकारी को कैप्टन करते हुए जाएं। वैसे ज़्यादातर पब्लिक इन्हीं को कैप्टन करेगी, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है यहाँ से कि सामयिता अधिकारी को ये हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर ले, क्योंकि ओपनिंग करवाएगी। हालांकि इसके पहले वाली मैच के अंदर ये थोड़ी सी नीचे खेली थी, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने 2 विकेट तो निकाल लिए थे, तो ऐसे इनके लिए भरोसा कर सकते हैं। यहाँ से प्रियंका बाला बेस्ट चॉइस है, विकेट कीपिंग सेक्शन से सीधी पिक, पिछली तीनों मैच के अंदर 50 प्लस का स्कोर किया उन्होंने, और पहली मैच की बात करते हैं 73 रन किए। तो एज ए प्लेयर के साथ यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए प्रियंका बाला भी बेस्ट चॉइस है। मामनी रॉय की बात करें तो मामनी रॉय ओके ओके रहेंगी, इनको निश्चित तौर पर ट्राई करना है। पियाली घोष एज ए प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इस प्लेयर के ऊपर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हुए कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो पियाली घोष को। बाकी बात करें ऐसे विशाखा दास ओके ओके रहेंगी यहाँ पर। रूपाल पात्रा की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, पहली मैच की बात करें तो विकेट लेस जा रही थी। बाकी ऐसे सोमो श्री एस भौमिक की बात करें तो अभी तक टूर्नामेंट के अंदर एक ही बार उनको विकेट मिली है, बाकी 3 मैच की बात करें तो वहाँ पर विकेट लेस जा रही है। इसके पहली वाली जो टूर्नामेंट थी यानी कि पिछली टूर्नामेंट, वहाँ पर इनका दबदबा रहा था पूरी टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक रहा नहीं है। फिर भी एज ए प्लेयर एक अच्छी पिक बन सके, क्योंकि इनके पर हम लोग यहाँ से एक टाइम भरोसा कर सकते हैं बॉलिंग से, तो यहाँ से इनको लेके जा सकते हैं। यहाँ से पंपा सरकार को लेके जा सकते हैं। यहाँ पर डी सामंता की बात करें तो डी सामंता ने एक बार यहाँ पर 2 विकेट निकाली थी, बाकी इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो यहाँ से इनको थोड़ा सा डिफरेंस लिए में रिस्की खेलते हैं ना, यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए रिस्की वगैरह खेलते हैं तभी ट्राई करना है। बाकी संबित पात्रा को अब मैं यहाँ से सजेस्ट करता हूँ कि अभी के लिए आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ चॉइस बचने वाली नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ना 3 मैच के अंदर विकेट निकाली है, 2 मैच की बात करें तो वहाँ पर 1 मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, 1 मैच के अंदर यहाँ से बैटिंग ही नहीं आई थी या फिर ओवर्स ही नहीं करवाई थी। ऐसे पात्रा के ऊपर भरोसा कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में आएगी ऐसे पात्रा और इनके साथ ऐसे सामयिता अधिकारी, डेथ ओवर्स में ऐसे SS भौमिक के साथ प्रियाली घोष डेथ में आएंगी। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलती है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अपन विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो प्रियंका बाला से बेहतर कोई चॉइस मिलने वाली नहीं है। और बैटिंग सेक्शन से ऐसे कशिश विनोद अग्रवाल, इनके साथ ऐसे सागरिका सेनगुप्ता, क्योंकि और कोई चॉइस है ही नहीं जिनको हम लोग सजेस्ट कर सके, इसके लिए ऐसे सेनगुप्ता को भी लेके जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे ओवर्स वगैरह करवा लेती है। और यहाँ पर सामयिकता अधिकारी हमारी टीम के अंदर रहेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से धरा गुज्जर के साथ प्रियंका कुर्मी और यहाँ पर पियाली घोष हमारी टीम के अंदर रहेगी। यहाँ पर आप लोग रोशनी खातून या फिर ऐसे एस पात्रा को ट्राई कर सकते हो, खासतौर पर ऐसे पात्रा के ऊपर नजर रखिएगा, क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट के अंदर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर रुक्मिणी रॉय के साथ ऐसे प्रियंका मधव सरकार और यहाँ पर एस यानी कि भौमिक को मैंने लिया, यहाँ पर सोभश्री सुभद्रा भौमिक को मैंने लिया। हालांकि परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कोई चॉइस भी नहीं है। हालांकि एक चीज़ कर सकते हो आप लोग, ऐसे भौमिक की जगह पर ऐसे पात्रा को ले सकते हो या फिर ऐसे गाजी को ले सकते हो, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। तो टीम की बात करूँ तो मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारी रहेंगी यहाँ पर सामयिता अधिकारी, वाइस कैप्टन ऐसे प्रियंका बाला रहेगी। अदर ऑप्शंस की बात करें तो 2 चॉइस और है, कशिश विनोद अग्रवाल और ऐसे दरा गुज्जर। तो ये जो 4 प्लेयर है ना, इन चारों प्लेयर को ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए ट्राई करना है। बाकी प्लेयर थोड़े से रिस्की रहेंगे, हालांकि ग्रैंड लीग वगैरह में या फिर ऐसे थोड़े बड़े वाले कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो ऐसे प्रियाली घोष के ऊपर आप लोग नज़र कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी। याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। तो या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, साथ ही में
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छी सी टीम बनाना है, अच्छी विनिंग करना है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।